अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू लज्जत ही लज्जत। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और शानदार सी रेसिपी जो कि है शीरमाल। शीरमाल एक किस्म की ब्रेड है जो कि पाकिस्तान में बहुत खाई जाती है। ये मीठी और सॉफ्ट होती है। हम अभी पाकिस्तान ही गए थे, वहाँ पे हम हर रोज़ खाते थे, लेकिन कनाडा आए हैं तो यहाँ पे तो मिलती नहीं है और हम इतना तरस गए थे इसको खाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कोई रेसिपी ख़ुद ही ट्राई करूं। तो चलिए, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले आपने अपनी सारी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठी कर लेनी है, ठीक है। ये है सारे इंग्रेडिएंट्स। आपको चाहिए एक अंडा, एक टेबलस्पून यीस्ट, वेजिटेबल ऑयल थोड़ा सा, साथ में आप 1/3 कप मेल्टेड बटर भी रख लें, और एक टेबलस्पून नमक, एक टीस्पून बेकिंग पाउडर, 2 कप्स मैदा, 1 टेबलस्पून चीनी, सेसमी सीड्स और 2 टेबलस्पून दही, 1/2 कप दूध। तो चलें स्टार्ट करते हैं। एक बड़ा सा बोल लेना है आपने, उसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स फेंकनी है। इधर विच सिटो सारी सिवाय अंडे दे, और मेल्टेड बटर भी नहीं अभी डालना, ना ही ऑयल डालना है। जो अंडा है उसको आपने बस सफ़ेदी अंदर डालनी है, जो योक है आपने वो सेपरेटली रख देना है। इधर विच नहीं सिटना, ठीक है, सिर्फ सफ़ेदी डालनी है। फिर अच्छी तरह इसको कर लें मिक्स मिक्स मिक्स। फिर अब आप इसके अंदर मेल्टेड बटर डालें ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। हमने पत्थर नहीं बनाना, हमने सॉफ्ट ब्रेड बनानी है, तो आप बटर डालें इसमें, ठीक है। जब ये गूंद जाए फिर आपने इसका गोला बना के इसके ऊपर ऑयल लगा के रख देना है किसी डार्क अंधेरे वाली जगह में, या तो माइक्रोवेव के भी अंदर रख सकते हैं, कैबिनेट के अंदर रख सकते हैं, लेकिन आपने माइक्रोवेव ऑन नहीं करना, बस ऐसे ही रख देना 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद आप इसको मारें अच्छी तरह, हवा निकालें क्योंकि फूल जाता है डो। तो फिर आपने पैन लेना, इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है क्योंकि ब्रेड ताकि चिपक ना जाए, शीरमाल चिपके ना। फिर आपने इसको गोल बनाना है, हमने किसी मुल्क का नक्शा नहीं बनाना, बस गोल बनाना है इसको। फिर इसके ऊपर आपने योक लगा लेना है, ठीक है। फिर सिटनिया, सेसमी सीड्स आप ये ऑप्शनल रख सकते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छी लगती हैं। फिर 20 मिनट्स के लिए 350 फ़ारेनहाइट पर बेक करें। तो ये निकल के आ गई है कितनी शाइनी ब्रेड बनी है हमारी शीरमाल। तो इसको हम कट करते हैं। आप इसको 2 हिस्सों में भी बना सकते हैं एक की जगह, ताकि वो और पतली बने, लेकिन इस तरह भी अच्छी लगती है, आपकी ऑप्शनल है ये। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी थी, ठीक है। और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं किस तरह की बनी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट रेसिपी तक। अल्लाह हाफिज़।